Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये जो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है अंबे बस, ये बस कंटिन्यू दमों से सतना और सतना से दमों परमानेंट जाती है। इस बस के ये जो दुबले पतले हैं ये ड्राइवर हैं और मोटे ताजे ये इसके कंडक्टर साहब हैं, टिकट काटने वाले। आज मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे बातचीत करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को तब तक आप लाइक कर दें। सर, आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं, आप अपना परिचय पहले बताएं। मेरा नाम अंकित मिश्रा है, मैं पन्ना ज़िले से हूँ। पन्ना ज़िले के अजयगढ़ तहसील के एक छोटा सा गांव है नया गांव जी, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको और कौन कौन से रूट पे गाड़ियाँ आपने चलाई हैं? मुझको लगभग 12-13 साल से कंडक्टिंग करते हो गया और ये अपने जाके हर रूट में आप चाहे जहाँ भेज सकते हैं। सतना, इंदौर अभी तक चलता रहा, सीधी इंदौर, सीधी सूरत, इलाहाबाद, इंदौर, जितनी भी कंपनियों में अपनी गाड़ियाँ हैं सब रूटों में मैं कंडक्टिंग कर चुका हूँ। जी 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 जी। और इसके अलावा भी जैसे इसके पहले भी जहाँ भी करता था तो आल मतलब अपने लगभग यूपी एमपी हर जगह कंडक्टिंग में कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा, कौन सा रूट आपको बहुत अच्छा लगता है? सब रूट मतलब एक्स वाई जेड किसी भी रोड में आप भेज दीजिए, सब रूट अपने लिए अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं, कोई बात नहीं भाई। किसी रोड में अपन को प्रॉब्लम नहीं आती भाई, कंडक्टरी करना अपन को चाहे जिस रूट में आप भेज सकते हैं, किसी भी रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे मस्त रोड, अच्छी रोड अपन को सतना से दमोह लगती है। अच्छा अच्छा, इस पर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, इस नंबर में मुझको बहुत अच्छा मज़ा आता है, आराम से, टाइम भी अपने पास पर्याप्त, हर जगह स्टेशन में रुकने का भी टाइम है और फास्ट भी गाड़ी, ऐसा नहीं है कि स्लो है, फास्ट भी गाड़ी है। यहाँ से चलते हैं अपन, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट हर स्टेशनों में रुकते हैं, फिर उसके बाद आगे चलना शुरू कर देते हैं। सबसे सही रूट मुझको सतना से दमोह और दमोह से सतना लगी है। हाँ, क्योंकि आपके पास पड़ता है, ये लोकल है, डेली घर चले जाते हैं आप? नहीं नहीं, डेली घर तो नहीं जाते, मतलब एक दिन सतना में रुकती है तो सतना से मैं अपने घर पन्ना चला जाता हूँ, और दमोह से पन्ना जाना थोड़ा दिक्कत, और फिर सुबह 4 बजे से आना वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, तो कंडक्टर साहब आप एक बात बताएं कि जैसे रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए अचानक तो उसके लिए सवारी आपको परेशान करती होगी कि हमें लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जगह से अरेंज करते हैं आप? नहीं, जैसे माना जाए कि अपन सतना से चलते हैं, सतना से चलने के बाद अचानक लोकल में अगर नागौर तक गाड़ी ख़राब हो जाती है तो अपन मोटर मालिक के माध्यम से दूसरी गाड़ी बुलवा कर उन सवारियों को भेजते हैं। अगर नहीं हो पाता तो उसके बाद जब दूसरी गाड़ी उसी रूट की आती है तो उन गाड़ियों में अपन पैसेंजरों को बैठा के उन सवार मतलब पैसेंजर जितने रहेंगे उनको उस गाड़ियों में बैठा के उन लोगों को भेजते हैं अपन, जहाँ जितनी सवारियाँ होती हैं वहाँ पे भेजते हैं। तो किराया एक एक सवारी को लौटाते हैं या कंडक्टर को दूसरे वाले दे देते हैं? नहीं, कंडक्टर को देते हैं। सवारियों को देने में भाई ऐसा हो जाता है कि कोई कह देगा कि मेरी टिकट नहीं वापस ले पाए तो कंडक्टर से कह दे, कंडक्टर सामने वाले कंडक्टर से बोलेगा कि वो उस गाड़ी में दे दिया, तो अपन गिनती करके सवारियों को गिनती करके जिस रेट से किराया लगता है उस रेट से कंडक्टर को पैसा दे दिया जाता है। वाह, वेरी गुड। तो भाई साहब, मिस्टर अंकित मिश्रा से हमने बातचीत किया, ये बस में टिकट काटने वाले कंडक्टर साहब थे। आपको बताया कि आपको अपना परिचय दिए और बताया इन्होंने कि कौन कौन से रूट पे चले और कौन सा रूट इन्हें बहुत अच्छा लगा, ये भी आपको बताए, और अचानक गाड़ी में कोई खराबी आ जाती है तो भी बताया कि हम लोग सवारी को कैसे अरेंज करते हैं। तो इसके लिए कंडक्टर साहब मिस्टर अंकित मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर हैं
इनको तो आप देखे होंगे, इनकी कई वीडियो बन करके हमारे YouTube चैनल पे डली हुई है। थोड़ा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आप लोगों को पता चल जाए कि कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है। तो इनसे बातचीत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और एक निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि मेरे YouTube चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो बनाते रहता हूँ। तो हम पूछते हैं, आप बताएं उस्ताद कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका? जिला पल्ला तहसील पवई, एक छोटा पवई तहसील में एक छोटा सा कस्बा है ग्राम कुंवरपुर। जी, ग्राम कुमार, मेरा नाम है जलील खान। जी। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 12 साल का। जी, तो आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनको 12 साल का एक्सपीरियंस है, और लगभग 10-12 साल का एक्सपीरियंस मिस्टर अंकित मिश्रा को भी है। ये भी कंडक्टर ही करते हैं और ये ड्राइवर हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल ओरिजिनल ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बगल में दी हुई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ऐसे ही नॉलेज फुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।